In a world where survival is the only rule and feelings have no place, where winning is everything and weakness is fatal, how much difference can one person make? That depends on the person. सन 1896 कोलकाता। पिता श्री गौर मोहन डे एवं माता श्रीमती रजनी से उत्पन्न एक महान कृष्ण भक्त, जो बाद में जाकर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से सुविख्यात हुए। श्रील प्रभुपाद ने 1922 में अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से भेंट की। इसके 11 वर्ष बाद 1933 में वे प्रयाग में उनके विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य हो गए। श्रील प्रभुपाद से उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली ही भेंट में कहा था कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़िया वैष्णव समाज ने 1947 ईस्वी में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद सितंबर 1965 में अपने गुरु के निर्देश का पालन करने के लिए अमेरिका गए। जब वे मालवाहक जलयान द्वारा पहली बार न्यूयॉर्क नगर में आए तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। अत्यंत कठिनाई भरे करीब 1 वर्ष के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की। आज विश्व भर में इस्कॉन के 800 से अधिक केंद्र, मंदिर एवं गुरुकुल आदि प्रभुपाद की दूरदर्शिता और अद्वितीय प्रबंधन क्षमता के जीते जागते साक्ष्य हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की स्थापना कर संसार को कृष्ण भक्ति का अनुपम उपहार प्रदान किया। उनके कई उपहारों में से एक है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का विश्व भर में आयोजन। आज श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा विश्व के हर बड़े शहर में जनमानस को दर्शन दे रहे हैं और ये उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसका संपूर्ण श्रेय श्रील प्रभुपाद को ही जाता है।